देश के प्रथम समाजवादी प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, जिनके बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस में रह के इंदिरा जी के आँख में आँख मिला के कहे कि हम कांग्रेस को समाजवादी बनाने आए हैं, अगर समाजवादी पाठ नहीं पढ़ा पाए तो हम कांग्रेस को तोड़ देंगे। आज उनकी पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि पर अनोखा मौका है जब भाजपा से लेके दूसरे दल के नेता, बसपा, राजा भैया, तमाम लोग उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। ऐसा पहला मौका होता है जब चारों दल एक साथ आके पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। राजा भैया, आप ऐसी कोई कहानी बताइए, चूँकि आप भी उन्हीं के नर्सरी के पौधेशाले हैं जी। अब आपने जो बात कही, इतना विशाल व्यक्तित्व था कि हम लोगों का सौभाग्य है कि उनका सान्निध्य, उनका आशीर्वाद हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ। बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसा कि आपने कहा कि सभी दलों के नेता यहाँ पे हैं, तो उनका जो व्यक्तित्व था वो दल की सीमाओं से बहुत ऊंचा और उससे ऊपर था। और किसी भी दल में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नेता हो, चंद्रशेखर जी के लिए उनके हृदय में सम्मान था। और ये बात लोकसभा के अंदर भी दिखती थी और लोकसभा के बाहर भी। हमारे साथ राम गोविंद चौधरी जी हैं, जो आपातकाल में जेल गए थे और माना जाता है कि वो चंद्रशेखर की राजनीति के उत्तराधिकारी भी रहे हैं, आप नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। आज क्या ज़रूरत आन पड़ी है, क्या कमी महसूस होती है चंद्रशेखर जी? सबसे ज़्यादा कमी तो आज ही महसूस हो रही है, जो देश और समाज और राजनीति की जो हालत है, आज चंद्रशेखर जी के रहना नितांत आवश्यक था, लेकिन भगवान ने उनको बहुत पहले अपने पास बुला लिए। आज रहते तो देश राजनीति की समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरे होते या जेल में गए होते, महान हस्ती थे। यशवंत जी, आप उनके लगातार विचारधारा को लेकर बढ़ा रहे हैं, कोई आगे आप बसपा के विधायक हैं उमा शंकर जी, आप भी इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। देखिए, ये हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम उसी धरती के हैं जहाँ चंद्रशेखर जी की जन्मस्थली रही है, और आज पूरा देश चंद्रशेखर जी को जिस तरह से आदर और सम्मान के साथ उनकी पुण्यतिथि मना रहा है, हम लोगों को गौरव की अनुभूति हो रही है। ये नेता थे जो चंद्रशेखर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। दिनेश शर्मा जी हैं, पूर्व डिप्टी सीएम। आज चंद्रशेखर जी के व्यक्तित्व का इसी से अंदाज़ा लग रहा है कि सारी दलित सीमा टूट गई है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। सहयोगी अरशद के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।